हम जागो लाहौर में वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे थे मुनीरा और जरार साथ। मुनीरा हमें ये बताएं कि आप खुद खाने पीने की कितनी शौकीन है। मैं काफी शौकीन हूँ खाने पीने की, और उससे ज्यादा बनाने की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। और अगर मुझे बनाते बनाते तो नहीं खा जाती। नहीं देखिए, पता क्या, एक तो ये कि जब इस फील्ड में, एक तो आप शेफ हैं, आप बनाती हूँ, दूसरा मैं एक ट्रेनर भी हूँ, कॉलेज में करवाती भी हूँ। अब मेरे इतने माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, अब सब स्टूडेंट्स को मैंने देखना होता है, और जब भी कोई स्टूडेंट बनाता है, जब तक मैं उनको मोटिवेट ही ना करूंगी, उनको सकून नहीं मिलता। हालांकि मैं सिर्फ टेस्ट थोड़ा सा करती हूँ, किसी की प्रेजेंटेशन के बता देती हूँ। कई कॉलेजेस में जब जाना होता है तो उनको नंबरिंग देते हैं, मार्क करते हैं, तो वो उस पर सबके नंबर होते हैं कि आपको किस किस चीज पे क्या क्या मार्क मिले। खाली खाने बनाने के ऊपर नहीं होता, आपने फूड कौन सा लिया, क्वालिटी कैसी ली है, आपने उसको ठंडा कैसे किया, खाना गर्म गर्म सर्व किया है, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो इसलिए कि एक मुझसे पूछा जाता है कि आपकी स्पेशल डिश कौन सी है, तो मेरा हालांकि मैं जब वो चीज बताती हूँ कि एक दाल चावल ऐसी चीज है कि जिसको आप नॉन स्टॉप खाते जाए तो आप बोर नहीं होते, आप बोर नहीं होते, आप खा सकते हैं। तो मेरा हालांकि यही फेवरेट डिश है कि अगर आप उसको समझा जाए तो मेरा हालांकि मैं अपनी इसी को कंसिडर करती हूँ। बाकी तो माशाल्लाह की हर चीज ही अल्लाह की बनाई नेमत है, उसको हर चीज को खाना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद। मुझे तो बड़ा ये अजीब सा लगता है कि रिस्क को ना नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा जरूर टेस्ट करो, खाओ जरूर, और उसको ये कि खाने के बाद वो आपकी मर्जी की आप खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अच्छा जरार साहब, आपने बड़े पेट्रियोटिक मूवीज पे काम किया, इसकी क्या रीजन थी? अपने मुल्क से मोहब्बत तो है ना, जिस मुल्क में हम पैदा हो उसके लिए सोच ही नहीं रहे। हम अपना ना सोचें, अपने मुल्क का सोचें, दूसरों का सोचें। अपने लिए तो सभी जीते, दूसरों के लिए जीना सबसे बड़ा काम। यू आर नोन एज अ यू नो स्टार मेकर, आपने इतने सारे नाम इंट्रोड्यूस भी कराए, बहुत सारी फिल्में बनाई, और बहुत सारी ये भी फिल्में इन द पाइपलाइन है। जो फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल है, जैसे आप बता रहे थे कि जो इस जिस दौर में फिल्म इंडस्ट्री मर गई, जब ये गलत लोगों के हाथों में चली गई, जिसकी वजह से जो फिल्में आ रही थी वो ऐसे बुरे कॉन्सेप्ट पे आ रही थी कि वो देखने वाला था ही नहीं, लोग फैमिली के साथ जाके देख ही नहीं पाते थे। अब वो दौर आता लग रहा है कि अब अच्छी फिल्में बनना शुरू हो रही हैं, एजुकेटेड लोग आ गए हैं, इक्विपमेंट अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। तो अब आप आगे फ्यूचर क्या देखते हैं हमारी इंडस्ट्री का? फ्यूचर देखें, जब तक फिल्म है एक फाइन आर्ट्स, जब ये बदमाश गुंडों के हाथों में चली जाएगी तो उसको कैसे आप संभालेंगे? 20-25 साल में यही हुआ। आपके जब बच्चा पैदा होता है किसी के, तो उसके नाम कुरान शरीफ से निकाले जाते हैं, अच्छे अच्छे नाम सोचे जाते हैं। फिल्मों को ऐसे ऐसे बुरे नाम रखे गए हैं ये 20-25 साल में, और एक फिर बिरादरीज़म पे बदमाशों फिल्में बनाई जिसने पाकिस्तान, खासकर लाहौर की पूरी इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। हाँ, क्योंकि वो एक ही तरह के ना, माखा गुजर, गुजर द खड़ाक, और इस तरह के नाम आने शुरू हो गए फिल्मों के। फिर जो सबसे बड़ी गलती हुई, देखें, इंडिया हिंदी जबान कहता है मगर वो उर्दू में फिल्म बनाता है, हम कौमी जबान कह के उर्दू में फिल्में नहीं बना रहे थे। इलाकाई जमान कोई जुर्म नहीं, इलाकाई जमान की फिल्में बनाना चाहिए, वहां भी तामिल वगैरह सब बनती, पंजाबी बनती, हमारी यहाँ चाहे सराकी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, अपने पश्तो हो, सिंधी हो, बननी चाहिए, मगर उर्दू पे फोकस ज्यादा होना चाहिए था। हुआ ये कि सुल्तान राय साहब जब इन हुए, वो दौर बहुत अच्छा दौर हो गया, उसको जो कहते हैं लिंडस, मगर वही दौर मैं समझता हूँ तबाही का दौर था, क्योंकि उर्दू मेकर भी पंजाबी फिल्में बनाने लगा। वो बनाने की वजह ये थी कि पंजाब का सर्किट उमर साहब बहुत बड़ा है, 250-300 स्टेशन है, सिंध का स्टेशन छोटा है, मगर उर्दू फिल्म चारों सुबह उस वक्त लगती थी ना। अब पंजाबी फिल्म पंजाब में लग रही है, पश्तो फिल्म पेशावर में लग रही, उर्दू फिल्म खत्म हो गई, उर्दू चारों सुबह में लगती थी, मिडिल ईस्ट जाती थी, बांग्लादेश जाती थी, नेपाल जाती थी, श्रीलंका जाती थी, तो प्रोडक्शन होती थी, वहां से भी पैसा आता था, और अगर आप अच्छी बनाते तो अमेरिका, कनाडा, जाता। और अब जा रही ना, अब सारी जा रही है, मगर मैं समझता हूँ इसका आप शुक्रगुजार इंडिया को करें, क्योंकि इंडिया की वजह से पूरी दुनिया में आपकी उर्दू पहचानी जा रही है। उन्होंने मार्केटिंग की, वहां जाके अवार्ड करते हैं, वहां जाके वो आउटडोर करते हैं, स्विट्जरलैंड में यश की वजह से लार्जर देन लाइफ उन्होंने बना लिया अपनी इंडस्ट्री को, दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे, वहां उन्होंने शूटिंग की, तो आज स्टेशन का नाम उसके यश की वजह से नाम रखा हुआ। देखे ना, तो हमारे मेकर्स को भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर मार्केटिंग करें। अब उर्दू फिल्में जो खासकर कराची जो शिफ्ट हुए हम, कराची में क्या है कि सारे एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी के लोग आएंगे, वो फिल्म को मेकिंग को तो नहीं समझते मगर फिल्में बना जरूर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ एक तो आपके कराची में सारे मल्टीनेशनल फर्में हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके सारे बड़े चैनल्स के जो हेड ऑफिस हैं वो वहाँ हैं, ये भी एक टैलेंट भी सारा जो है जो लाहौर था वो भी चला गया सारा, बिल्कुल मेन हब बन गया ना। मेरे अपने सारे एक्टर गए हैं
देखें वहाँ जाके जितने काम करें उन सबको मैंने एक बात कही थी कि यार आप काम करें, काम करना जुर्म नहीं है, मगर आप 15-20 दिन वहाँ के रखें तो 10-15 दिन लाहौर के लिए भी जरूर रखें, चाहे आप काम करें ना करें मगर यहाँ रहे, जो काम होता रहे। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि अब वापस लाहौर में भी काम हो रहा है, 3-4 साल सोप सीरियल भी बन रहे हैं, फिल्में बन रही, मगर जो लाहौर के मेकर फिल्में बना रहे हैं क्योंकि फाइनेंसर लाहौर के अपने फिल्म डेट्रो की वजह से फाइनेंसर जो अच्छा फाइनेंसर है भाग गया, वहाँ कराची में लोग 5 करोड़ लगाने को तैयार हैं, यहाँ 50 लाख लगाने को तैयार हैं, बिल्कुल उसकी गलती है कि डायरेक्टर्स ने, हमारे डायरेक्टर्स ने प्रोड्यूसर को भगाया, उसके पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया, फिल्म सही नहीं बनाई गई जिससे हमें नुकसान हुआ, बिल्कुल नुकसान, बेहतर प्रोडक्शन हो सकती थी लेकिन नहीं, क्योंकि मेकिंग मेकर भी इस वक्त लाहौर में ही है, जो फिल्म के सही मेकर है वो लाहौर में ही है, एक्टर भी जो है इस वक्त भी लाहौर में ही है, जो एक्टर स्टूडियो भी इतने बड़े बड़े हमारे पास है, बारी स्टूडियो है, एवेन्यू स्टूडियो है। उमर भाई जो शानदार स्टूडियो था एशिया में, इससे बड़ा कोई स्टूडियो ही नहीं था, उसके दो क्रिएट अ जंगल इन दैट और सब कुछ, दो तीन फ्लोर तो उसके थे, एक नंबर वाला फ्लोर और दो के जिसपे आप मरी और स्वाद का पूरा सेट लगा लें, उसको खुद हमने तबाह किया ना, अब वहाँ घर बनवा दिए आप। अच्छा सर ये बताएं आपका फेवरेट हदायतकार अब जो आ रही है नई लॉट उसमें कौन है, किसको आप पसंद करते हैं जो अच्छी प्रोडक्शन हो रही है हमारे? देखते मैं समझता हूँ नबील कुरैशी ने सबसे अच्छा काम किया इस लॉट में, जिसने बनाई नामालूम अफराद। उस वक्त मैंने चैनलों पर रिकॉर्डिंग भी चली थी मेरी, जब फिल्म लगी थी तो मुझसे पूछा कि क्या है ये लगी, मैंने कहा हमारी बदकिस्मती के हमारी इंडस्ट्री के लोगों ने करोड़ों लाखों रुपए इस मुल्क से शोहरत कमाई, आज वो छोड़ के चले गए इंडस्ट्री में, और नामालूम अफराद जैसे लोगों ने नामालूम अफराद जैसी एक अच्छी फिल्म बनाई, तो मैं इसलिए नबील कुरैशी को और फैज अली दोनों को इसका मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने कहा मगर प्लस पॉइंट इस फिल्म का है मैं भी शायद क्या बिल्ली आइटम सॉन्ग, इस दफा भी क्या हुआ उन्होंने फिल्म जो बनाई है उस फिल्म का नाम है एक्टर इन ला, उसमें फिल्म बहुत अच्छी बनाई उन्होंने मगर उसमें भी एक प्लस पॉइंट इस दफा भी वो है हम पूरी, दोनों के पास दोनों नहीं रहे वो, लेकिन मगर काम कर गए। मैं समझता हूँ ओम पुरी को पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की और इस्लाम की मोहब्बत ले डूबी, वो मरे नहीं उनको मारा गया है, मैंने ये जिस दिन ये हुआ था उसी दिन फेसबुक पे डाल दिया, बहुत सारे लोग ये बात कर, बिल्कुल मैंने तो कह दिया था कि और हुआ फिर यही है। जरार साहब अब वक्त खत्म हो रहा है हमारे शो का, दिल तो नहीं कर रहा कि बातों का सिलसिला रुके क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ ऐसा है जो कि एक्सप्लोर करने वाला था आपसे पूछने वाला था, लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा से मुलाकात होगी और हम बुलाएंगे। थैंक यू मुनीरा, थैंक यू जरार साहब। जी जनाब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है और जाते जाते मैं आपको अच्छी बात बता दूं कि दानाई का ताल्लुक बालों की सफेदी से नहीं अक्ल और तजर्बे से है। दिल स्याह हो तो दाढ़ी के सफेद बालों की क्या वक्त रह जाती है। मौलाना जलालुद्दीन रोमी का ये कॉल है, इसी कॉल के साथ मुझे सैयद अरमला से नौ और उमर से उसको इजाजत दीजिए और हमें फेसबुक और ट्विटर पे अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर भी आप शो से रिलेटेड कुछ भी शेयर करना चाहे जरूर कीजिएगा। अभी कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, जागो लाहौर से अल्लाह हाफिज़।